एक दरिंदे ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की। हैवानियत की घटना को अंजाम देने वाला मासूम का मामा है। पुलिस ने आरोपी हैवान को गिरफ्तार कर उसके घर को जमींदोज कर दिया है। हैवानियत की ये दास्तान सिंगरौली की है, जहां एक 4 साल की मासूम से पड़ोस में रहने वाले मामा ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची के घर पर ही मौजूद था। जब बच्ची की माँ घर के बाहर गई तो मौका पाकर आरोपी हैवानियत पर उतर आया। हालांकि बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर माँ फौरन घर पहुंची तो बच्ची ने रोते हुए माँ को मामा की हरकत के बारे में बताया। उसकी माँ ने पूरे गांव वालों को बुलाकर आरोपी को पीटते हुए पुलिस के हवाले किया। हालांकि पुलिस ने तहसीलदार की उपस्थिति में आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया। घटनाक्रम इस प्रकार का था कि आरोपी जो है बालिका के घर में बैठ के जो है टेलीविजन देख रहा था, और इसी दौरान बालिका की जो माँ है वो अचानक बाजार चली गई, और उसी दौरान इस आरोपी ने जो इस प्रकार की घटना को निर्धारित किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा जो है आरोपी के द्वारा जो है रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके जो है मकान बनाया हुआ, और पुलिस प्रशासन ने जो है रेलवे की जमीन को इसके अतिक्रमण से। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।